प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंट से, और स्टेटमेंट है प्रॉब्लम की जी, कोमल बॉट अ सूट ऑन द सेल प्राइस ऑफ ₹450 व्हेन द मार्क प्राइस वाज ₹525। फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। कोमल एक सूट परचेज करके लाई हैं जो कि ₹450 का उनको मिला है, ठीक है जी, जबकि उस सूट की जो मार्क प्राइस थी, मतलब जो असल उसको बेचना था दुकानदार ने, वो ₹525 का था, ठीक है, लेकिन उन्हें डिस्काउंट मिला है यहाँ पे, और उस डिस्काउंट जितना मिला है उसकी परसेंटेज हमने यहाँ पे बेसिकली फाइंड करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ पर लिख लेते हैं जी, सबसे पहले सेल प्राइस, तो सेल प्राइस है ₹450, ठीक है, और इसमें अगर आप देखें तो मार्क्ड प्राइस कितनी है, मार्क्ड प्राइस जो है वो है रुपीज, हमने भी देखा था इसे, ₹525 है, ठीक है जी। चलें ये दो इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली, अब हम डिस्काउंट को जो है काउंट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि कितना है। डिस्काउंट का जो फार्मूला होता है बेसिकली वो होता है कि मार्क्ड प्राइस में से जो सेल प्राइस है इन दोनों का डिफरेंस ले लिया जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि कितना डिस्काउंट मिला है हमें, ठीक है जी। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारे पास है ₹525 और सेल प्राइस है ₹450, तो ये डिस्काउंट जो है वो है ₹75, ठीक है। चलें डिस्काउंट तो मिल गया हमें, ये पता चल गया, कैलकुलेट हो गया, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जो इस डिस्काउंट परसेंट है वो कैसे मिलेगा हमें, ठीक है। तो इसमें हम यूँ बात कर लेते हैं, चलें इस स्क्रीन को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूँ, हम यूँ लिखते हैं कि डिस्काउंट, डिस्काउंट आउट ऑफ ₹525 जो कि मार्क प्राइस थी, इस पे कितना डिस्काउंट दिया उन्होंने, ₹75 का दिया है, ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी आपको। इसी तरीके से अब हम ये देखेंगे कि अगर ₹1 होता तो इसी हिसाब से कितना डिस्काउंट मिलता, तो हम लिखते डिस्काउंट आउट ऑफ ₹1, तो वन कैसे आएगा जब हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ जो है वो 525 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो फॉर ₹1 ये कितना बन जाएगा, ₹75 ओवर 525, क्लियर होगी बात यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद यूनिटरी मेथड से चूंकि हम ये डिस्काउंट फाइंड करने जा रहे हैं, हमें ₹1 का पता चल गया तो हम ₹100 का भी फाइंड कर सकते हैं, तो हमने चूंकि डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है तो डिस्काउंट परसेंट यही होता है कि आउट ऑफ 100, ठीक है, तो हम यूँ लिखेंगे डिस्काउंट आउट ऑफ ₹100, ये कैसे आ जाएगा, आप 75 आउट ऑफ 525 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और इसके साथ परसेंट लगा देंगे, ठीक है, तो परसेंटेज में हम चले जाएंगे, बात हमारी परसेंटेज में आ जाएगी। अब देखें यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करें, ये कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, तो ये 14.29% बनता है, ठीक है, मतलब इसका रफ वर्क आप 5 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, देखें 5 1 टाइम 5 और 5 5 टाइम 20 25, तो 105 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 525 बनता है, यहाँ पर 20 से 100 को, मतलब 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर 100 आ जाएगा, फिर यहाँ से 5 के टेबल से 21 आ जाएगा और यहाँ पे 5 के टेबल से 4 आ जाएगा, फिर यहाँ अगर आप देखें तो ये मतलब 75 को 4 से मल्टीप्लाई कर 21 से डिवाइड करें तो ये 14.29 इसका जो है वो परसेंटेज में हमें मिल जाएगा, तो डिस्काउंट परसेंट जो हमें मिली वो 14.29% मिली है इसमें।